अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरयार खान शेरवानी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुमकिन बनाएं इस चीज़ को, मुमकिन बनाएं अपने कारोबार को, मुमकिन बनाएं अपने ख्वाब को और मुमकिन बनाएं कि नौकरी की जंजीरों को तोड़ कर आप अपने काम का आगाज़ कर सकें। आज मैं आपके पास, ये हमारे एक चाचा जी हैं माशाल्लाह, बर्फ़ का काम करते हैं, इनसे मिलने आए हैं और इनका मालूमात देने आए हैं कि ये काम कब से कर रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह, एक दिन में ये कितना कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद। हाजी? हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद साहब ठीक ठाक हैं? हाजी मोहम्मद साहब कब से बर्फ का काम कर रहे हैं? ये कम से कम 17 साल हो गए। 17 साल हो गए माशाल्लाह आपको, यही काम करते हैं? यही काम करते हैं। तो डेली आप कितने की बर्फ़ लेके आते हैं? डेली आ जाती है कम से कम 6-7 हज़ार की। 6-7 हज़ार की? और ये लेके किस तरह आते हैं? रिक्शे पे। अच्छा, रिक्शे पे जाके जो कारखाने वाले खुद पहुंचाते हैं कि खुद लेके आनी होती है? खुद लेके आते हैं, वहाँ से खरीदते हैं और ले आते हैं जी। अच्छा, गर्मियों में काम करते हैं आप जी, तो डेली की कितनी बर्फ़ सेल हो जाती है आपकी? सेल हो जाती है 14 ब्लॉक। 14 ब्लॉक और डेली आते कितने? 14-15 आते हैं, तकरीबन सारे निकल जाते हैं। तो ये कितनी आपको इसमें माशाल्लाह बचत हो जाती है? 500-700, 800-900 लग जाती है, यानी आराम से इज्जत से कमा लेते हैं। बर्फ ज्यादा जाती है उतनी। तो सर्दियों में, गर्मियों में, गर्मियों में एक तो आपको ठंड भी मिलती रहती है जी जी जी, और आपको साथ साथ बचत भी होती रहती है। तो अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको क्या मशवरा देंगे, क्या आपका तजर्बा, आपका क्या है इस काम के बारे में? तजर्बे के साथ ये काम होगा, सवारी अपनी होगी तो फिर होगा। अच्छा, अपनी सवारी चाहिए, अगर रेडी वगैरह पे किराए दे के मंगा लें तो वो किराए भरते रहेंगे। अच्छा, दो मोटरसाइकिल खड़े हैं मेरे अपने। अच्छा, ये आपने अपने इसी काम से खरीदे हैं कि पहले से थे? पहले बनाए हैं। पहले ये बनाए हैं? तो ये काम स्टार्ट करने के लिए टोटल कितने पैसे चाहिए बंदे को? देखो जी, कम से कम ये अच्छा काम करोगे तो अच्छे पैसे जुटते होंगे। ठीक है, तब कम से कम कितने स्टार्ट कर सकता है बंदा? 1 लाख में से। 1 लाख में स्टार्ट कर सकता है ये, और अच्छी बचत है इसमें। देखो जी, मेहनत, जो काम मेहनत के साथ करोगे मेहनत के साथ नहीं करोगे उसमें क्या बचत होगी? तो मशवरा क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? जो अच्छा काम करोगे तो अच्छा मशवरा होगा। सही है, यानी कि मेहनत के साथ काम होता है। सही है, इसमें देखभाल क्या होती है, क्या एहतियाती तदाबीर जो आप बताना चाहेंगे? इसका जी तजर्बा ये है, इसको तजर्बा हासिल करने के लिए उठाना और काटना, लोड करके ले आना। अच्छा, यही है? ये तजर्बा है, यानी कोई बर्फ वाला जो साफ काम करे उनसे पहले मालूम ले लें, उनसे काम को सीख लें, उसके बाद ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। काम सीखना जरूरी है। सही है, अब ये देखो ये बच्चा तोड़ रहा है, तो सिखाया था ये तोड़ रहा है। सही है, तोड़ने किस तरह? हाँ जी, तो तोड़ने का भी तरीका है? तरीका है, थोड़ा बताएं हमें क्या तरीका है तोड़ने का? ये देख लो, ये अब तरीका है ना, पहले टोटा काट रहा है। सही है, 70-80 की हम सेल करेंगे, 80 हज़ार। सही है, ये तरीका है। चले, बहुत शुक्रिया जनाब हाजी साहब, आपने बहुत अच्छी मालूम दी है। देखते रहिए मेरे प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने काम का आगाज़ करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये नाज़रीन आप ब्रश देख सकते हैं माशाल्लाह, कितना रश है इनकी दुकान पर, किस तरह लोग जॉग दर जॉग आ रहे हैं बर्फ़ लेने के लिए। तो ये काम आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ काम है ये, और इसको अच्छे अंदाज में करेंगे तो अच्छा कमा लेंगे, और इसी अंदाज में करेंगे तो इस तरह ही कमा लेंगे। मगर काम अच्छा है, ये भी एक आइडिया है कि आप ये काम कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, यही मेरा मोटिव था कि आप लोगों को बताया जाए। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम, मुमकिन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका होस्ट शहरयार खान शेरवानी, अल्लाह हाफ़िज़।